एक गांव था रामनगर, जहां गोपाल अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के घर में रहता था। गोपाल के माँ बाप की मृत्यु 5 वर्ष पहले हो चुकी थी। गोपाल के पास ही में एक खेत था, जिसमें वह मेहनत से काम करता था और अपना गुजर बसर करता था। गोपाल अपने छोटे भाई की हर ख्वाहिश पूरी करता और उस पर अपनी जान छिड़कता, और उसका छोटा भाई सागर भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता। चल छोटे, तेरा भी स्कूल का टाइम हो गया है, मैं वहीं से अपने खेत निकल जाऊंगा और तू अपने स्कूल चले जाना। जी भैया, चलिए। रुक, मैं तेरा टिफिन लेकर आता हूँ। गोपाल अपने भाई को अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाने लगता है। अच्छा सागर बेटा, अब मैं चलता हूँ, और हाँ, समय पर खाना भी खा लेना। जी भैया, आप भी समय पर खाना खा लेना। गोपाल अपने भाई को स्कूल छोड़कर खेत जा ही रहा होता है कि तभी उसे गांव का बूढ़ा व्यक्ति रोक लेता है। अरे गोपाल, कहाँ से आ रहे हो भाई? बस चाचा, छोटे भाई को स्कूल छोड़कर अब अपने खेत ही जा रहा हूँ। अरे गोपाल, कब तक अकेले ही घर का और बाहर का काम करोगे? मेरी सलाह मानो तो शादी कर लो, तुम्हारा घर का काम भी हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को माँ जैसा प्यार भी मिल जाएगा। हाँ चाचा, ये तो मैं सोच ही रहा था। मेरी नज़र में एक सुंदर और सुशील लड़की है, तू कहे तो तेरे लिए बात करूँ उसके पिताजी से। जी चाचा जी, आप बात कर लेना। अच्छा चाचा, अब मैं खेत चलता हूँ। उसके बाद गोपाल वहाँ से चला जाता है और खेत पहुँचकर वहाँ काम करने लगता है। श्याम होते ही गोपाल अपने घर पहुँचता है और घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाने लगता है। भैया भैया, मास्टर जी बोल रहे थे कि जल्दी से फीस भर दीजिए, वरना परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। हाँ छोटे, मैं इसी हफ्ते तेरी फीस भर दूंगा, तू चिंता मत कर। वो क्या है ना, मेरी इस बार जमींदार ने अभी तक पगार नहीं दी है, मुझे जैसे ही मिलेगी मैं तेरे स्कूल में पैसे जमा कर दूंगा बेटा। वह दोनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोपाल शादी कर लेता है। देखो छोटे, ये तेरी भाभी माँ है, आज से ये भी तेरा ख्याल रखेंगी। और शीला, ये मेरा छोटा भाई है, इसे मैंने माता पिता के जाने के बाद एक पिता की तरह ही पाला है, और मैं चाहता हूँ तुम भी इसे एक माँ के जैसा ही प्यार देना। हाँ हाँ, आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बना कर लेकर आता हूँ। नहीं जी, मेरे होते हुए आपको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो आज ही आई हो और आज ही काम करोगी, रहने दो, आज आराम कर लो, कल से कर लेना। अरे नहीं, अब तो यह घर मेरा भी है, आप दोनों भाई बातें करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। शीला खाना बनाने जाती है और दोनों भाई बातें करते हैं। छोटे, मेरा सपना है कि मैं तुझे खूब पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि मेरी तरह ही तू गधा मजदूरी करे, दूसरों के ताने सुने। बेटा, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, बस मैं तेरी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ूंगा भी और आपका नाम भी रोशन करूंगा। वह तीनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह गोपाल अपने भाई को फिर से स्कूल छोड़ने जाता है। इसके बाद गोपाल अपने खेत चला जाता है और जाकर काम करने लगता है। कुछ समय बाद उसका काम खत्म हो जाता है। चलो, मेरा काम तो हो गया, एक काम करता हूँ, छोटे को साथ ही घर लेकर चलता हूँ। मैडम, जरा सागर को बुला दीजिए, आज उसे अपने साथ घर ले जाना है।
सागर, सागर तो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? मतलब मैं तो रोज सुबह उसे स्कूल छोड़ने आता हूँ। पता नहीं, क्लास अटेंड ही नहीं करता, 15 दिन हो गए उसको। ठीक है, धन्यवाद। गोपाल अपने भाई को ढूंढने जाने लगता है। वह चलते चलते एक मैदान में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि उसका छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। यह देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों रे नालायक, मैं यहाँ रात दिन मेहनत करके सपने सजा रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख रहा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और तू अपने दोस्तों के साथ जहाँ मक्कारी कर रहा है। गोपाल अपने भाई को बहुत जोर से मारने लगता है। भैया मत मारिए भैया, मुझसे गलती हो गई, आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, भैया माफ कर दीजिए। गोपाल उसे मारते मारते घर ले जाता है और सागर अपनी भाभी के पीछे छुप जाता है। बचाइए भाभी माँ, बचाइए, भैया मार रहे हैं। अरे अरे रुकिए, क्यों मार रहे हो उसे? शीला हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हें नहीं पता ये क्या करता है। मैं रोज इसे स्कूल छोड़ने जाता हूँ और मेरे जाने के बाद ही ये अपने दोस्तों के साथ मैदान जाता है और वहाँ कंचे खेलता है। ठीक है रुकिए, मैं उसे समझाती हूँ, आप दूसरे कमरे में जाइए। बेटा सागर, ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो तुम्हारे भैया दिन रात मेहनत करते हैं, वह धूप में भी काम करते हैं, और तुम उनके भरोसे को तोड़ रहे हो। तुम्हें वह बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित भी रहते हैं। अब बेटा तुम रोज पढ़ना। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका दिल दुखाया, अब मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। भैया देखिए मैं खाना लेकर आया हूँ, आइए साथ बैठकर खाते हैं। चलो अब रोना धोना हो गया हो तो खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन गोपाल अपने भाई को स्कूल से छोड़कर आ रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोक लेता है। अरे गोपाल, तेरी शादी को कितने दिन हो गए हैं, कब तक अपने भाई का ख्याल रखता रहेगा, अब अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोच। नहीं नहीं चाचा, कैसी बातें कर रहे हो आप, वो मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि वो मेरे बेटे समान ही है, मैं उसे खूब पढ़ाना चाहता हूँ और वही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा चाचा। ठीक है भैया, आजकल भाई भाई किसी के नहीं होते, अब आगे तेरी मर्जी। थोड़ी ही देर बाद सागर गोपाल के पैर दबाता है। ऐसे ही सागर दिन रात मेहनत से पढ़ने लगा और गोपाल भी खेत में मेहनत से काम करने लगा ताकि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन सके। दोनों भाइयों का प्रेम भी बढ़ता गया, एक दूसरे के बिन वे खाना भी नहीं खाते थे। समय बीतता गया और सागर 20 वर्ष का हो जाता है। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम ही कर रहा होता है, तभी सागर उसके पास आता है। भैया भैया देखिए मेरी नौकरी लग ही गई। क्या छोटे, तू सच बोल रहा है? हाँ भैया हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई, आपने बचपन से लेकर अभी तक जो मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए, आज उसका फल मिल ही गया, मेरी नौकरी लग गई। तूने आखिरकार मेरा सपना आज साकार कर ही दिया, मैं बहुत खुश हूँ, चल अब घर चलते हैं, ये खुशी भाभी को भी बताते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। शीला तुम्हें पता है आज हमारे छोटा भाई सरकारी बाबू बन गया है। क्या सच में? मुझे तो पहले से ही पता था, सागर इतनी मेहनत जो करता था। शीला अब तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की देखकर इसकी शादी भी करवा देते हैं। क्या भैया आप भी, अब आपको खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं घर का खर्चा संभाल लूंगा, और वैसे भी आपकी उम्र हो रही है, आप घर पर आराम कीजिए, आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। वह खाना खाकर सोने जाते हैं, तभी सागर गोपाल के पैर दबाने लगता है। अरे छोटे अब ये क्यों कर रहा है, तू भी तो ऑफिस जाता है,
तू भी थक जाता होगा। जा बेटा आराम कर। भैया मैं आपकी एक भी नहीं मानूंगा, बस मुझे पैर दबाने दीजिए। देख रही हो शीला अपने देवर को? अब मैं क्या बोलूं? आप जानो और आपका भाई जाने। 6 महीने बीत जाने के बाद सागर की शादी एक सुंदर लड़की से हो जाती है। वो लड़की पढ़ी लिखी और घमंडी थी। सुनो रीमा, ये मेरे भगवान समान भैया और भाभी हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इनकी बहुत इज्जत करो। जी ऐसा ही होगा। एक वर्ष बीत जाने के बाद सागर एक नया घर ले लेता है। चलिए भैया, आज से आपको इस किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने नया घर खरीदा है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है छोटे। भगवान बस मेरा छोटा भाई ऐसे ही तरक्की करते रहे। तो ठीक है भैया, हम कल ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और अगले दिन ही वह चारों नए मकान में रहने चले जाते हैं। भैया कैसा लगा मकान आपको? बहुत अच्छा है छोटे। अच्छा भैया, आप आराम कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए भाभी, जरा खाना बना लीजिए, मुझे बुखार आ रहा है। ठीक है रीमा, मैं बना लूंगी, तू आराम कर। रीमा अपने कमरे में टीवी देख रही होती है और शीला खाना बना रही होती है। तभी सागर ऑफिस से आता है और यह सब देखता है। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों रीमा, तुम्हारे होते हुए भाभी माँ खाना क्यों बना रही हैं? तुम्हें तो हमेशा अपने भैया और भाभी की ही पड़ी रहती है। मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे शौक थोड़ी ना है भाभी से खाना बनवाने का। बड़े आए भाभी के पुजारी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। खाना खाने के बाद सागर अपने भैया के पैर दबा रहा होता है। यह देखकर रीमा को अच्छा नहीं लगता। मेरे पति को नौकर बनाकर रखा है, ये भूल रहे हैं कि उसी की कमाई पे ये लोग ऐसो आराम कर रहे हैं। अगर उसकी पत्नी से पैर ना दबाए तो मेरा नाम भी रीमा नहीं। कुछ समय बाद जब सागर अपने कमरे में जाता है तो रीमा उससे कहती है, भैया भाभी की गुलामी से फुर्सत मिल गई क्या? अरे रीमा क्या बोल रही हो, थोड़ा तमीज से बोलो। मेरे भैया देवता समान हैं और मेरी भाभी देवी समान, तुम उनकी इज्जत करना सीख लो। रीमा ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वह सागर को भैया भाभी के खिलाफ भड़काते रहती और सागर भी उसकी बातों में आने लगा। फिर एक दिन रीमा सागर से कहती है, मेरी तबीयत खराब है ये भाभी को पता है, फिर भी उन्होंने अभी तक खाना नहीं बनाया, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। कोई बात नहीं रीमा, मैं बाजार से लेकर खा लूंगा, भाभी को आराम करने दो। तभी शीला की किचन से आवाज आती है, बेटा खाना बन गया खा ले। सागर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और यह बात शीला को बहुत बुरी लगती है। उसी शाम को सागर घर आता है और अलमारी में 5,000 रुपये रख देता है। उसके जाने के बाद रीमा वहां से पैसे उठा लेती है और अगली सुबह जब सागर पैसे देखता है तो वहां पैसे नहीं होते। रीमा कल रात मैंने अलमारी में पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? कौन से पैसे? क्या घर में मैं ही अकेली रहती हूँ? जाइए अपने भैया भाभी से पूछिए। तभी सागर अपने भैया के पास जाता है और देखता है गोपाल पंडित जी से बात कर रहा होता है। जी लीजिए पंडित जी, मेरे भैया सागर के नाम की पूजा करवा दीजिए। पंडित के जाने के बाद सागर अपने भैया से पूछता है, भैया आपसे यह उम्मीद नहीं थी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, यूं ही उठाने की क्या जरूरत थी? छोटे कौन से पैसे, ये तो मेरे पहले के रखे हुए थे बेटा। भैया अब आपने मुझसे झूठ भी बोलना चालू कर दिया। यह कहकर सागर अपने ऑफिस चला जाता है और गोपाल दुखी मन से लेट जाता है। सुनिए आइए खाना खा लेते हैं। नहीं शीला, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज पहली बार छोटे ने मुझ पर 5,000 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया है। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, जरूर आपको सुनने में कोई गलती हुई होगी। जाओ रीमा, भैया और भाभी को बुला लाओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जी आप ही भैया भैया करते रहते हो, उन्होंने तो खा भी लिया और वो सो भी गए। क्या आज भैया ने मेरे बगैर ही खाना खा लिया? जाओ
खाना ले आओ, अपन दोनों ही खा लेते हैं। कुछ समय बाद शीला उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आती है। तभी वह देखती है कि दोनों खाना खा रहे होते हैं। यह देखकर शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। उन दोनों के बीच रीमा ने गलतफहमी का बीज बो दिया। अब उन दोनों में मनमुटाव रहने लगा। फिर एक दिन सागर अपने भैया से कहता है, भैया अब आप इसी घर में रहिए, अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों छोटे, क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हुई है बेटा? भैया अब आपके साथ गुजारा नहीं हो पाता है, मैं रोज की हाय हाय किट किट से परेशान हो चुका हूँ। नहीं छोटे, ये मकान तूने बड़ी मेहनत से खरीदा है, तू क्यों जाएगा बेटा, ये मकान तेरा है, हम ही चले जाते हैं इसे छोड़कर। शीला अपना सामान बांध लो। क्या बात है, आपका चेहरा उदास। कुछ नहीं शीला, बस मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। थोड़ी ही देर बाद वह जाने लगते हैं। अच्छा शीला तुम बाहर चलो, मैं आखिरी बार अपने भैया से मिलकर आता हूँ। छोटे गेट खोल, देख मैं जा रहा हूँ, मुझसे आखिरी बार गले नहीं लगेगा बेटा, गेट खोल सागर। हाँ तो जाइए, आपको रोका किसने है? वो अभी काम कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे बाहर। क्या इतना जरूरी काम है तेरा? मैं जा रहा हूँ सागर, पता नहीं अब तेरा बड़ा भैया तुझसे अब गले लग भी पाएगा कि नहीं। अगर तेरे भैया से कोई भूल चूक में गलती हो गई हो सागर, तो बेटा मुझे माफ कर देना, पर तू मुझसे वादा कर, अपना ख्याल रखना, और हाँ मुझसे मिलने जरूर आना बेटा, मेरी आंखें तेरा इंतजार करेंगी। अच्छा मैं चलता हूँ बेटा। गोपाल अपनी पत्नी को लेकर वही पुराने मकान में रहने आ जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं और गोपाल सागर की याद में बीमार होने लगता है और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पता नहीं मेरे भैया ने खाना खाया होगा कि नहीं, कहीं भूखा तो नहीं है वो। लगता है मेरा भैया कल आएगा, मेरा कल भैया सुबह आएगा, उसके लिए खीर बनवाऊंगा। छोटे मैं आ रहा हूँ, छोटे तुझसे मिलने, अपने बड़े भैया के होते हुए तू कहाँ जा रहा है? मैं हूँ ना बेटा, मेरे पैर दबा, मैं आ रहा हूँ। उठा छोटे, मेरे पैर में चोट लग चुकी, मुझे दर्द हो रहा है, उठा छोटे। अरे आप गिर कैसे गए? चलिए मैं आपको बिस्तर पर लिटा देती हूँ, आपके पैरों में तो चोट लगी है। नहीं नहीं शीला, मैं गिरा नहीं हूँ, छोटे मुझे उठाएगा, मुझे वही उठाएगा, छोटे ही उठाएगा मुझे, तुम मुझे हाथ मत लगाना, मैं उसी से उठूंगा। शीला उसे बिस्तरों पर लिटा देती है, उसने खाना पीना सब त्याग दिया था। देख शीला मेरा भैया खड़ा है बाहर, उसे बुला, वो मेरे पैर दबाएगा, काफी दिनों से पैरों में दर्द है, बुला शीला। वहाँ कोई भी नहीं है, शांत हो जाइए आप। नहीं शीला तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे चलती हो, मैं अपने भैया से बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी करता है मुझसे, पर तुम यह देखकर बहुत जलती हो। जा 2 प्लेट चावल लेकर आओ, आज मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, लेकर आओ शीला। आजा छोटे, कहाँ घूम रहा है, चल भैया के गले लग, कितने दिनों से नहीं लगा, आखिरी बार तो लग जा बेड़। भाई को याद करते करते गोपाल के प्राण निकल जाते हैं। बूढ़ा चाचा सागर के घर खबर देने जाता है। सागर, ओ सागर, निकल घर के बाहर। अरे क्या हुआ चाचा, क्यों चिल्ला रहे हो? कपटी नालायक, मत बोल मुझसे चाचा वाचा। अरे जब तू अपने देवता समान भैया को नहीं जान पाया तो मुझे क्या पहचानेगा नालायक। तुझे उससे घर से बाहर निकालने में शर्म नहीं आई? तुझ जैसा भाई भगवान किसी को भी न दे, क्या कुछ नहीं किया तेरे भाई ने तेरे लिए? अरे उसने तेरे होते हुए अपनी औलाद तक नहीं की, पता है क्यों? क्योंकि तुझसे प्यार कम ना हो जाए, और तू कितना बड़ा दोगला है रे, इस नागिन के चक्कर में अपने भाई को भूल गया। वो दिन तुझे अपने कंधे पर बिठाल कर स्कूल छोड़ने जाता था, पर तू क्या समझेगा रे, उसने बेचारे ने कितने सपने सोच रखे थे, देख तो तुझ जैसे गद्दार ने क्या सला दिया उसको। अरे चाचा क्या हुआ, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे नालायक अब वो इस दुनिया से चला गया,
क्या ये नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया मैं आ रहा हूँ आपको गले लगाने। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुप कर नागिन, तूने मेरे पूरे परिवार को डस लिया। तूने ऐसा काला जादू किया कि मैं अपने देवता समान भाई को भूल गया। अब मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहता। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। तभी सागर भागते भागते अपने भैया के पास जाता है। देखना सागर, तेरे भैया उठ नहीं रहे हैं। तू उठाने की कोशिश कर, शायद तुझसे उठ जाए। देखिए सागर आपको गले लगाने आया है, उठ जाइए। भैया उठिए भैया, मुझे आपको गले लगाना है। भैया यूं ही लेटे क्या हूँ, मुझे गले लगाइए। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा और मैं किसके सहारे जीऊंगा।